हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो फाइनली आपकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिन्हें बिफोर एग्जाम देख के जाना बहुत जरूरी है और उनमें से एक चीज थी हेडिंग सब हेडिंग और एक चीज थी क्लास अकाउंटिंग रेशियो के आपके सारे के सारे फॉर्मूले तो आज की जो वीडियो है क्लास छोटी सी वीडियो रखूंगा मैं ज्यादा टाइम लूंगा नहीं आपका दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी बट सबसे मेन चीज है खुद पे कॉन्फिडेंस रखना इतनी मेहनत की है उस पर भरोसा रखना स्ट्रेस मत लेना पेपर बहुत अच्छा जाएगा डोंट वरी अकाउंटिंग रेशियो के जितने

तो रेशियो चार टाइप में क्लासिफिकेशन कर दिया गया है सबसे पहला जो होता है उसे लिक्विडिटी बोलते हैं दूसरा बोलते हैं सॉल्वेंसी तीसरा एक्टिविटी या टर्नओवर और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो कि क्लास परसेंटेज में आता है ये टाइम्स में आता है ये नंबर्स में यानी कि आपका फ्रैक्शन में आ सकता है क्लास ये रेशियो में और ये प्योर रेशियो में भी आ सकता है और फ्रैक्शन में थ्री बाई फोर इज फ्रैक्शन टू रेशियो इज प्योर रेशियो तो इन तरीके से रेशियो होता है लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली एक पढ़ते हैं करंट रेशियो दूसरा पढ़ते हैं क्विक रेशियो बेटा करंट रेशियो का फॉर्मुला क्या था करंट अटॉन करेंट लाइबिलिटी क्या था टू रेशियो लेकिन 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 जब आप करंट रेशियो निकाल रहे होगे तो करंट के अंदर एक चीज आप नहीं लोगे वो क्या होता है क्लास बताओ जरा लूज टूल्स बिकॉज लूज टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं जो एक्चुअली हम बेचते नहीं अपने पास हम रखने के लिए यूज करते हैं अपने काम के लिए क्विक असेट का फॉर्मुला होता है क्विक असेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी क्विक असेट को हम लोग लिक्विड असेट और क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं क्या कहते हैं क्लास एसिड टेस्ट रेशियो ये हाईली लिक्विड असट जो होते हैं उनका रेशियो है करंट लैबिटी के साथ और जो क्विक असेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है क्विक असेट का फॉर्मूला होता है क्लास करंट असेट माइनस इन्वेंट्री बेटा ओपनिंग या क्लोजिंग क्लोजिंग माइनस प्रीपेड एक्सपेंस इफ एनी यानी कि अगर दिया होगा तो ही लोगे नहीं तो नहीं ये दोनों चीजें क्यों घटा रहे हो सर करंट से क्योंकि बेटा ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो इजीली आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते इसीलिए क्लास हम इससे हटा देते हैं करंट अट से जो बचता है वो हमारा लिक्विड असट हो जाता है और लिक्विड रेशियो का फॉर्मुला होता है लिक्विड असट अपॉन करंट लाइबिलिटी या क्विक असट अपॉन करंट लाइबिलिटी अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया जाता है तो ओपनिंग हमेशा उससे करना जिस चीज का एक फॉर्मुला होता है और वही

िटी साइड तुम्हें दो चीजें लेनी है ध्यान समझना इधर गलती गलती इधर होती है फॉर्मले यहां से बनते ज्यादातर दो चीजें लेनी है सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड और जो दूसरा लेना है टोटल डेट्स ये इनसाइडर लाइबिलिटी होती है

टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म डेट टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट करंट लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड माइनस शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड माइनस रिजर्व सरप्लस शेयर कैपिटल प्रॉफिट भी इसके अंदर आता है रिजर्व सरप्लस के अंदर और किसी भी टाइप का रिजर्व भी और अगर मैं इन सबको जोड़ दूं अगर मैं इन सबको जोड़ दूं यहां से लेकर यहां तक तो इसे हम लोग जो नाम देते हैं इसको बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड क्या बोलते हैं क्लास कैपिटल इंप्लॉयड यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड और कैपिटल इंप्लॉइड इक्वल टू टोटल लैबिलिटी माइनस करेंट लैबिलिटी अगर ये एक है ये नौ है टोटल दस है दस में से एक घटाएंगे तो नौ आ जाएगा ये नौ क्या है पूरा का पूरा कैपिटल इंप्लॉयड तो इस तरीके से क्लास आप काफी सारे फॉर्मुले यहाँ बना सकते हो तो कैपिटल इंप्लॉइड के मैं एक बार आपको लिख के देता हूँ फॉर्मुला क्या क्या कैपिटल कैपिल का फॉर्मुला होता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो फॉर्मुले बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला इक्विटी इक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर फंड ई एस सी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस इन दोनों को मिलकर बोलते हैं शेयर कैपिटल ठीक है और अगर मैं बोलूँ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट ओनली लॉन्ग टर्म डेट लेना अपने शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट और वी कैन से दैट

तो अगर मैं यहां से सीएल को उठा के उधर ले जाऊं तो ये सीए माइनस सीएल और मान लेते इन्वेस्टमेंट जीरो है क्वेश्चन में कहता भी इन्वेस्टमेंट नहीं है ठीक है तो ये पूरा का पूरा ये आ गया कैपिटल इंप्लॉयड और ये जो पूरा का पूरा कैपिटल इंप्लॉयड है तो यहां भी क्या होगा कैपिटल इंप्लॉयड होगा पूरा का पूरा तो कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू क्या एफ ए प्लस सीए माइनस सीएल क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल तो कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मुल क्या हो गया एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल तो ये भी आप ध्यान रखना तो यानी कि अगर आप बैलेंस शीट से रफ में बैलेंस शीट से कुछ फॉर्मले बनाते हो तो बहुत अच्छे से आपका सारा, -सारा का सारा फॉर्मुलों का रिविजन हो जाएगा आई होप क्लास इतनी चीजें हो गई हैं अब हम आते हैं क्लास अच्छा एक बात और मैं बता दू आपको ये जो लिक्विड रेशियो होता है ना फॉर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए होता है ये होता है फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ये होता है आपकी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी है डेटर क्रिएटर से टाइम पे पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपका वर्किंग कैपिटल कितना इफेक्टिव है और ये बताता है कि आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कितनी है कंपनी जो एंटरप्राइज है उसके अलग अलग तरीके से प्रॉफिटेबिल जीपी एनपी आप खुद से कितना इंप्रूव कर रहे हो इंडस्ट्री में आपकी कितने परसेंटेज है और लोग कितना कमा रहे हैं आपका क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है डाउन हो रहा है ओवरऑल एफिशियंसी चेक करता है

हो गया डेट इक्विटी दूसरा क्या होता है क्लास टोटल असेट टू डेट रेशियो कॉन्फिडेंस रखो बस टोटल असेट टू डेट रेशियो जिसका फॉर्मला है टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट एल मतलब लॉन्ग टर्म डेट टोटल अट जानती हो क्लास फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट अच्छा अगर आप टोटल लैबिलिटी भी ले लेते हो ना इसकी जगह तो भी चलेगा बिकॉज टोटल लैबिलिटी टोटल असेट दोनों बराबर होता है तो टोटल लैबिलिटी अगर तुम्हें मिल गई कहीं से तो उसको ऊपर रख के नीचे लॉन्ग टर्म डेट रख दोगे तो भी आपका टोटल असेट टू डेट रेशियो निकल कर आ जाएगा राइट टोटल असेट टू डेट रेशियो अगला देखते हैं क्लास पे इसके अंदर जो तीसरा रेशियो है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मुला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट शेयर होल्डर फंड बोल दो या प्रोप्राइटरी फंड बोल दो अपॉन टोटल असेट तो टोटल असेट तो वही है और शोल्डर फंड भी वही है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सब प्लस लॉन्ग टर्म डेट ओके प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया उसके बाद है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मिला होता है प्रॉफिट बिफोर इंसेंट टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरसेंट टैक्स अपॉन एनुअल इंटरेस्ट आप इसे टाइम से भी लिख सकते हो यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट का मतलब कि कितना है यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट का कितना गुना है उसके लिए जानने, के लिए होता है और अगर तुम्हें कहीं भी तुम्हें ऊपर पीबीआईटी चाहिए यानी ईबीआईटी बोलो अर्निंग या प्रॉफिट एक ही बात है तो तुम्हें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दे रखा है तुम इसमें टैक्स एड करना और तुम इसमें इंटरेस्ट एड करना तब जाकर और इंटरेस्ट डिवेंचर और लोन पे जाता है तो तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स मिल जाएगा यानी कि पीबीआईटी अच्छा सर अगर टैक्स दिया मान लो सात लाख दिया है और थर्टी परसेंट टैक्स दिया है तो थर्टी परसेंट टैक्स दिया है, तो ये सेवेंटी परसेंट है तो डिवाइड करोगे सेवेंटी से इनटू करोगे हंड्रेड से तो पीबीटी निकल कर आएगा टेन लाख और टैक्स कितना आ जाएगा तीन लाख रुपए तो इस तरीके से भी क्वेश्चन मैंने करा रखें आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो ये सारा का सारा क्लास आपका हो गया आ, कौन सा रेशियो हो गया क्लास आपका प्रोपराइटरी जो रेशियो है आपका पूरा का पूरा सोल्वेंसी रेशियो वो खत्म हो गया अब हम आते हैं एक्टिविटी रेशियो के अंदर एक्टिविटी रेशियो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो बोलते हैं इसके अंदर सबसे मेन जो रेशियो है वो है इनवेंट्री टर्न ओवर रेशियो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो और जिसका फॉर्मुला होता है सीओ जी एस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री बेटा एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मुला लिखवाने की जरूरत नहीं यू नो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टू अगर खाली क्लोजिंग दिया हुआ है तो हम सीधे क्लोजिंग से डिवाइड देंगे बाई टू नहीं, uh, नहीं करेंगे टू तभी करते हैं जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया रहता है सीओ जी एस अगर तुम्हें निकालना हो तो तुम सेल्स में से जीपी घटा देना सेल की जगह तुम्हें नाम दिया होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अगर तुम्हें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है तो प्लीज रिटर्न को माइनस मत करना बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मतलब होता है सेल्स सेल्स माइनस रिटर्न तो तुम्हें रिटर्न को माइनस नहीं करना है सेल्स माइनस जीपी या फिर तुम सीओजीस का फॉर्म लगा सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट वाला यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो कई बच्चे बोले सर डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है वेजेस आता है आता 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 है, manufacturing या factory expense आता है, wages and salaries आता है, है, है या या नहीं आएगा, ठीक हो या freight inward हो, वो आता है इसके अंदर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है पावर फ्यूल आता है इसके अंदर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन परचेज है वो आता है ये सारी चीजें डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज परचेज है वो भी नेट परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न और नेट दिया है तो रिटर्न को माइनस मत करना बिकॉज नेट का मतलब ऑलरेडी रिटर्न को माइनस कर रखा है और क्लोजिंग स्टॉक तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक बात और बता दूं आपको अगर जीपी नॉर्मल 20 परसेंट लिखा है तो यानी कि वन बाई फाइव है किस पे है बेटा कुछ नहीं लिखा सेल्स लेकिन अगर लिखा है जीपी 20 परसेंट ऑन सेल्स तो भी तो ये सेल्स का ही 20 परसेंट है लेकिन लिखा है कि जीपी 20 परसेंट ऑन कॉस्ट तो अगर कॉस्ट का वन बाई फाइव है कॉस्ट का अगर वन बाई फाइव है तो सेल्स पे कितना होगा वन बाई सिक्स कॉस्ट सेल पे जाने के लिए एक ऐड कर देना और सेल दे रखा हो कॉस्ट पे जाना हो तो एक माइनस कर देना इस ट्रिक से क्वेश्चन जरूर आएगा आप ध्यान रखना ओके अच्छा इन्वेंट्रेटन ओवर रेशियो हमारा हो गया नेक्स्ट अगला जो रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो नेक्स्ट रेशियो इज ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो तो ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मुला क्या होता है बताओ ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मुला क्या होता है नेट क्रेडिट सेल्स नेट क्रेडिट सेल्स यानी कि नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या लिखा रहेगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या क्या आता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई टू और ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है डेटर और बी आर ठीक है और नेट क्रेडिट सेल मतलब क्या होता है टोटल सेल में से रिटर्न माइनस कर दो और कैश सेल घटा दो यार इसको तो इसको कोई फॉर्मूला नहीं है तो आप सिंपल सी नॉलेज है टोटल सेल में से कैश घटा दो कैश सेल उधार का मिल जाएगा और क्लास आपका रिटर्न भी आप घटा दोगे क्योंकि नेट लिखा हुआ है और ट्रेड रिसिवल डेटर और बी को कहते हैं और ट्रेड रिसिवेबल कब बनता है डेटर और बी कब बनेगा जब खरीदोगे उधार जब बेचोगे उधार तो सही आंसर जब आप उधार बेचोगे सिमिलरली अगर आप उधार बेचोगे तो आप कलेक्ट भी करोगे डेटर को कलेक्ट करने का फॉर्मूला तो उल्टा वन अपॉन ट्रेडल टर्न ओवर एश्यू आंसर मंथ्स में देखना चाहते हो तो क्लास मंथ्स में 12 से मल्टीप्लाई कर देना आंसर डेज में देखना चाहते हो तो आप 365 दिन से मल्टीप्लाई कर देना ये आपका क्लास डेट कलेक्शन पीरियड निकल आएगा कितने टाइम पे आप डेट को कलेक्ट करते हो नेक्स्ट है इसके बाद ट्रेड पेबल टर्न रेशियो ट्रेड पेबल सारे फॉर्मुले क्लास रिविजन होंगे आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना किसी भी तरह से पर पेपर में जाने से पहले देख लेना और अपने सारे दोस्तों को भी बोल देना क्लास की, वो भी देख लें समझ लें इसको शेयर कर देना ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो तो ट्रेड पेबल टर्न ओवर रेशियो कैसे ट्रेड पेबल कैसे बनेगा नेट क्रेडिट परचेज जब आप उधार खरीदोगे और नीचे क्या क्या आएगा एवरेज ट्रेड पेबल ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाई टू और अगर तुम्हें ओपनिंग क्लोजिंग की इनफॉर्मेश नहीं दी तो जो दिया हुआ सीधे उसी से डिवाइड दे देना खाली दिया या क्लोजिंग दिया है सीधे उससे डिवाइड दे देना नेट क्रेडिट परचेज टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस रिटर्न टोटल परचेज में से कैश परचेज घटा दोगे और रिटर्न घटा दोगे तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल वही वर्किंग कैपिटल है सी ए माइनस सी एल और नेट सेल्स तो आप जानते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स को क्या बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओके तो ये पूरा का पूरा क्लास आपका कवर हो गया है टर्न ओवर रेशियो फाइनली अपने लास्ट रेशियो पे आ जाते हैं क्लास जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेहतर होगा कि देखते हैं कौन आप में से कमेंट सेक्शन में अगर टाइम है आपके पास आराम से सारे लिख लो यहीं पे याद हो जाएगा क्या पता सीधा फॉर्मूला पूछ ले क्या पता क्लास क्वेश्चन पूछ ले पूछेगा जरूर दस क्वेश्चन लगभग इस चैप्टर से पूछे जाएंगे और मैंने पूरा रिविजन इसका अच्छे से करा दिया है सबसे पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नाम से ही पता पड़ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जी अपॉन नेट सेल्स इन टू नेट सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दूसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट या खाली ऑपरेटिंग रेशियो भी कहते हैं इसको और जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंस अलग है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन टू हंड्रेड नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब मेरी बात ध्यान समझना जो मैं लिखवा रहा हूँ ये जो जी है ये कैसे निकलेगा जब आप सेल्स में से सीओ घटा दोगे तो जीपी निकलेगा सेल पे प्रॉफिट वन बाई फोर है तो कॉस्ट पे वन बाई थ्री होगा कम होगा सेल पे वन बाई फोर है कॉस्ट पे वन बाई थ्री सेल पे अगर वन बाई फाइव है तो कॉस्ट पे वन बाई फोर इस तरीके से चलता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट का इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लोली स्लोली लिखवा देता हूं अच्छे से कि ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके सम के बराबर होता है सीओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से नहीं होते ये भी टिक मार्क में आ सकता है कि कौन सा ऑपरेटिंग है कौन सा ऑपरेटिंग नहीं है डेप्रिशिएशन और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो ये जो एक्सपेंस है क्लास तीनों के तीनों इसको बोलते हैं हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस राइट तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आ गया वो नॉन ऑपरेटिंग है ध्यान रखना लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट गेन ऑन सेल ऑफ एसेट ये तो एक्सपेंस हो गया तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट नॉन ऑपरेटिंग है इंटरेस्ट इनकम नॉन ऑपरेटिंग है कोई इंटरेस्ट अगर आपको इनकम मिल गया रेंट रिसीव्ड ये सब नॉन ऑपरेटिंग है ध्यान रखना क्लास ये सब क्या है नॉन ऑपरेटिंग तो इनको मत लेना ऑपरेटिंग रेशियो को निकालते हो तो इनको आपने मत लेना ठीक है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ठीक है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो यह चीज ध्यान रखना टिक मार्क में आएगा लॉस ऑन सेल गेन इनकम मिल गया डिविडेंड मिल गया क्लास आपको तो ये सब आपका नॉन इनकम है इनकम नॉन ऑपरेटिंग बिकॉज ये तुम्हारे बिजनेस का काम नहीं है मेन काम राइट चलो तो ये हम लोगों क्लास हो गया अच्छे से आपका ऑपरेटिंग रेशियो भी क्लियर हो गया अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक बात और अच्छे से बताऊंगा ध्यान रखना ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ऊपर आएगा अपॉन नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को घटा दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास जो आ जाएगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आएगा सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपको निकालना हो तो नेट प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग इनकम घटा दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को घटा दो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही नेट सेल कहते हैं दस बार बता चुका हूँ अभी की वीडियो में ही। दूसरी बात ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो अगर सत्तर परसेंट है या खाली ऑपरेटिंग रेशियो सत्तर परसेंट है एक ही बात है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा फिर थर्टी परसेंट क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों को मिला के क्या आता है हंड्रेड परसेंट ये बात भी ध्यान रखना इसके बाद लास्ट जो रेशियो आ गया वो है आर ओ वाई

और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है बाकी सारी रेशियो जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है जीपी रेशियो एनपी रेशियो आर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है तो एनपी का कैसे निकलेगा अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस इलेवंथ क्लास में अपने पिनल अकाउंट में आपने इंडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड जितना भी लिखा था वो सारे इंडाट एक्सपेंस मैं घटा दूं अगर ऑल इंडा एक्सपेंस प्लस कर दूं ऑल इंडायरेक्ट इनकम जो भी ऑल इंडा इनकम है या ऑल इनकम को प्लस ऑल इनकम प्लस कर दो आप कुल मिला के ऑल इनकम लिख दो ऑल इनकम ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा एनपी ठीक है और इसी नेट प्रोफेट के ऊपर रखेंगे आएगा नीचर फ्रॉपरेशन उपर इन टू हंड्रेड तो आपका आंसर हो जाएगा राइट तो यहाँ पे क्लास हमने सारा का सारा रिविजन अच्छे से खत्म कर लिया को आई होप आपको अच्छा लगाओ वीडियो लाइक शेयर करना कॉमेंट करना क्लास देखो लास्ट टाइम पे भी आपके साथ खड़ा हूं क्लास सपोर्ट दिखाना शेयर करना वीडियो को और ऑल द बेस्ट पेपर आपका बहुत अच्छा जाए टेक केयर बाय बाय आने के बाद डिस्कस मत करना इको की तैयारी कराऊंगा मैं आपको हो जाए फिर डिस्कस करते रहना पेपर आने के बाद सिर्फ की मेहनत होगी नो डिस्कशन ऑन अकाउंट्स पेपर राइट जो गया वो गया आप उसे चीज नहीं कर सकते ऑल द बेस्ट